यह बात हम सब जानते हैं कि वर्तमान में जो कुछ हो रहा है, भविष्य में जो कुछ होगा, उससे जुड़ी भविष्यवाणियां पहले की जा चुकी हैं। जो हमारे साथ हो रहा है वो सब तय है। इनका जिक्र हमारे कई ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। श्री मद भागवत पुराण में कलयुग से लेकर कई भविष्यवाणियां की गई हैं। जो भविष्यवाणियां पहले की गई थी उनमें से बहुत सी भविष्यवाणियां आज सच हो रही हैं, और यह जानकर आपको काफी हैरानी होगी। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी भविष्यवाणियां बताएंगे जो पहले की जा चुकी हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि कलयुग में धन को सबसे ऊपर माना जाएगा, लोग सबसे ज्यादा धन को ही महत्व देंगे, इसके अलावा किसी चीज का सम्मान नहीं होगा। इंसान जीवन भर जो भी कर्म करेगा उसकी तुलना उसकी दौलत और शोहरत से ही की जाएगी। कलयुग में इंसान के गुणों और सच्चाई की पूरी अहमियत खत्म हो जाएगी। कलयुग के समय में जो लोग गरीब होंगे उन्हें अपवित्र और बेकार माना जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में यह भी कहा है कि जो लोग सफेद रंग का धागा पहन लेंगे लोग उन्हें ही ब्राह्मण समझने लगेंगे। जो लोग चलाक और लालची होंगे उसे कलयुग में सबसे विद्वान माना जाएगा। कलयुग में इतना भयंकर सूखा पड़ेगा कि अकाल और कर्ज से परेशान लोग पत्ते जड़ मांस जंगली शहद फल फूल आदि खाने में मजबूर हो जाएंगे। कलयुग एकमात्र ऐसा युद्ध होगा जहां अधिकांश मनुष्यों की उम्र 50 की होकर रह जाएगी। इससे ज्यादा वही इंसान जीवित रहेगा जो अच्छे कर्म करेगा। भगवान श्री कृष्ण जी के अनुसार लोगों में कहल और कलेश ज्यादा होगा। श्री मद भागवत में यह भी उल्लेखन किया गया है कि कलयुग में धर्म स्वच्छता सत्यवादिता जीवन की अवधि दया शारीरिक शक्ति और स्मृति भी घटती जाएगी। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि पारिवारिक रिश्ते खराब होने लगेंगे और लोग अपने परिवार को छोड़कर अलग रहने लगेंगे। अगर कोई स्त्री पुरुष शादी भी करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ एक समझौते के रूप के साथ ही रहेंगे। यह पृथ्वी भ्रष्ट और पापी लोगों से भर जाएगी। सत्ता हासिल करने के लिए लोग एक दूसरे को मारेंगे। कलयुग में मौसम समय से विपरीत हो जाएगा। सर्दी के समय में गर्मी पड़ेगी और बेमौसमी बरसात से लोग परेशान रहेंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।